नमस्कार, वर्ल्ड नाउ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुबूर अहमद। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तीन बड़ी खबरों के साथ। द कश्मीर फाइल्स पर जूरी चीफ का विवादित बयान पर इसराइल ने दी सफाई, अनुपम खेर ने जमकर कोसा। रिसर्च 2023 में भारत पर हमला कर सकता है चीन। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ताइवान नहीं, भारत पर चीन का निशाना। अमृतसर में भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, BSF ने मार गिराया, इलाके में घेराबंदी। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपागंडा करार दिए जाने पर अभिनेता अनुपम खेर ने IFFI के जूरी प्रमुख नादव लैपिड पर पलटवार किया है। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी लैपिड के बयान पर आपत्ति जताई। इस फिल्म फेस्टिवल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लैपिड फिल्म के बारे में विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल की PR टीम के एक सदस्य ने समापन समारोह के दौरान उनके अश्लील टिप्पणी की पुष्टि की है। उनके इस बयान पर हमला बोलते हुए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की तस्वीरें भी ट्वीट की। 2023 भारत के लिए ये साल नया तनाव ला सकता है। अमेरिका से चिढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिमालय सीमा पर युद्ध कभी भी छेड़ सकता है। दरअसल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं, इसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में अभी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था। भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोनों की घुसपैठ लगातार जारी है। अब अमृतसर में ड्रोन की एक एक्टिविटी देखी गई है। सोमवार रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर में एक पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इस पूरे मामले में BSF का भी बयान आया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से कहा गया कि सोमवार रात सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के चहरापुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को गिरा दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता अभिजीत त्रिवेदी के पास। अभिजीत, क्या खबर है आपके पास? सबूर, आपको बता दूं कि पंजाब के अमृतसर में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। जब भारतीय जवानों की इस पर नजर पड़ी, तुरंत जवानों ने इस ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद BSF ने क्षेत्र में घेराबंदी कर दी और संबंधित जांच एजेंसियों को सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि BSF के जवानों ने सोमवार देर रात अमृतसर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर चहरपुर गांव के पास भारतीय क्षेत्र में एक ड्रोन को घुसते देखा। इसके बाद जवानों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई और इसे मार गिराया। BSF के PRO ने मीडिया को बताया कि BSF ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में एक हेक्साकॉप्टर को सफेद रंग की पॉलिथीन में संदिग्ध वस्तु के साथ बरामद किया है, जो गांव के चहरपुर के पास सीमा पर बाढ़ के पास ही खेत में पड़ा हुआ था। कैमरामैन मोहम्मद हमाद के साथ मैं अभिजीत त्रिवेदी, वर्ल्ड नाउ न्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वर्ल्ड नाउ न्यूज। आज की खबर, कल का प्रभाव। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।